आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 का ये मुकाबला खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच में। तो देखते गाइस कौन इस मुकाबला को जीतता है। दोनों टीमों के लिए गाइस इस मुकाबला को जीतना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चौथा नंबर पे है और तीसरा नंबर पे आयरलैंड है। तो यहाँ पर एरन फिंच ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, तो अच्छे से गेंदबाजी करना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क गेंदबाजी का शुरुआत किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए और यहाँ पर शुरुआती गेंद पर सिंगल के साथ खाता खोलिया है आयरलैंड ने। चलिए देखते हैं गाइस, इस मुकाबले को जीतना है तो भाई अच्छे से गेंदबाजी करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, और अगर आयरलैंड को इस मैच को जीतना है तो भाई खेलना पड़ेगा, बेहतर बल्लेबाजी करेंगे तो बेहतर होगा आयरलैंड के लिए। तो ओवर की दूसरी गेंद गाइस मिचेल स्टार्क काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की, अभी तो एक ही गेंद डाला है और सिर्फ एक ही रन दिया है। नेक्स्ट बॉल सामने की तरफ गेंद को ढकेला है मिड ऑफ की तरफ और क्विक सिंगल, बहुत ही तेज भागी और सिंगल बटोरा, और अंपायर ने यहाँ पर नॉट आउट का इशारा किया है, यानी कि नॉट आउट है, क्रीज के अंदर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस किस तरह से खेलते हैं। अभी तक दो सिंगल बटोरा है आयरलैंड की टीम ने, दोनों ही बल्लेबाज ने एक एक रन के साथ खाता खोल लिया अपना। नेक्स्ट बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पुल शॉट खेलते हुए गाइस पीछे फील्डर मौजूद है, एक और सिंगल मिलेगा बल्लेबाज को। तो देखते गाइस यहाँ पर अच्छा बल्लेबाजी किया है, थोड़ा सा धीमा शुरुआत है, लेकिन छक्का चौका मारना पड़ेगा आयरलैंड को अगर जीतना, तो भाई बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। तो देखते हैं गाइस बल्लेबाज किस तरह से करते हैं। अब तक मिचेल स्टार्क ने तीन सिंगल दिए हैं, नेक्स्ट बॉल एक और सिंगल मिल जाएगा, तो सिंगल सिंगल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बाउंड्री नहीं जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ अगर देखें तो गाइस बैटिंग लाइनअप काफ़ी शानदार है, तो आयरलैंड को एक अच्छा टारगेट देना पड़ेगा अगर जीतना है इस मैच को। तो एक और सिंगल यहाँ पर मिल जाएगा और अब आखिरी गेंद है, लास्ट बॉल है, सिंगल आसानी से पूरा करते हुए गाइस यहाँ पर लास्ट बॉल है, और अभी तक 5 रन दिया है मिचेल स्टार्क ने। आखिरी गेंद है, देखते हैं गाइस आखिरी गेंद पर किस तरह से बॉलिंग करते हैं मिचेल स्टार्क। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और ये शॉर्ट खेला है, पुल शॉट, लेकिन ये अंपायर वाइड का इशारा अंपायर का, क्योंकि लेग स्टंप की काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद और अंपायर ने वाइड दिया है, यानी कि एक्स्ट्रा रन यहाँ पर देते हुए मिचेल स्टार्क। अब आखिरी गेंद है, अभी तक 6 रन दिया है, लास्ट बॉल है, देखना पड़ेगा आखिरी गेंद पर किस तरह से खेलते हैं। ऑफ स्टंप की बाहर गेंद, ये शॉट खेला है बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, आखिरी गेंद पर मिलेगा सिंगल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद आयरलैंड ने बनाए हैं 7 रन बगैर विकेट खोए। शुरुआत भाई ठीक ठाक है, लेकिन अच्छे से बल्लेबाजी करना पड़ेगा यहाँ से जीतना है। तो आयरलैंड ने गाइस पहले बल्लेबाजी करते हुए गाइस काफ़ी बढ़िया टारगेट दिया है, 182 रन का टारगेट है। ऑस्ट्रेलिया को जीतना है तो अच्छे से बल्लेबाजी करना पड़ेगा, तो बल्लेबाजी करने के लिए आ गए डेविड वॉर्नर और एरन फिंच। देखने पड़ेगा भाई किस तरह से यहाँ पर खेलते ये दोनों बल्लेबाज। तो यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आएगा इस आइलैंड की तरफ से तेज़ गेंदबाज बेरी मकाथी, देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं आइलैंड की टीम के लिए। और एरन फिंच स्ट्राइक पे है, गेंदबाज तैयार है बॉलिंग करने के लिए, ऑफ स्टंप की बाहर गेंद है और शॉट खेला है सामने की तरफ, मिड ऑफ की तरफ खेला है, शॉट रन में मिलेगा, डॉट बॉल के साथ शुरुआत किया है, और देखते हैं गाइस गेंदबाजी काफ़ी शानदार करना पड़ेगा अगर जीतना है आयरलैंड को इस मैच को। चलो ओवर की तीसरी गेंद, देखते हैं गाइस यहाँ पर किस तरह से खेलते हैं। नेक्स्ट बॉल मिड ऑन की तरफ खेला है लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में डॉट बॉल, दो डॉट गेंद है। तो यहाँ से गाइस काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी आयरलैंड की तरफ से, गाइस दो डॉट गेंद है ओवर की तीसरी गेंद। एरन फिंच अभी तक थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, एक और डॉट गेंद इस बार तो खेला ही नहीं, शॉट गेंद जाके लगी पैड पर, कोई रन नहीं मिलेगा, 3 लगातार डॉट बॉल है। नेक्स्ट बॉल गाइज ऑफ स्टंप की बाहर गेंद, पीछे रूम बनाते हुए गाइज उठा के मारा है और इस बार गाइज बल्ले के बीचों बीच लगी और गेंद निकल गई डीप मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी एरन फिंच के द्वारा, कमाल का शॉट खेला गाइज, 3 डॉट गेंद खेला उसके बाद बाउंड्री लगाया, काफ़ी बढ़िया शॉट, जहाँ पर फील्डर ने उसी दिशा में शॉट खेला है, पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए 4 गेंदों पे 4 रन आ गए इस ओवर में अभी तक। नेक्स्ट बॉल गुड लेंथ पे गेंद है और शॉट खेला है सामने की तरफ लेकिन बल्ले पे कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, अभी तक 5 गेंदों पे 4 ही रन आए इस ओवर में। आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद को एक बड़ा शॉट फिर से लगाना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद जाके लगी पैड पर, अंपायर ने उंगली ऊपर किया है, ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू है, रिव्यू ले सकते हैं, देखना दिलचस्प होने वाला है यहाँ पर, अगर एरन फिंच आउट होते तो दिक्कत हो सकता है, तो रिव्यू है यहाँ पर ले लिया है एरन फिंच ने, पिचिंग आउटसाइड ऑफ इंपैक्ट इन लाइन विकेट हिटिंग, यानी कि आउट है, उंगली ऊपर अंपायर ने किया है और जाना पड़ेगा एरन फिंच, कप्तान एरन फिंच आउट हुए हैं। बल्लेबाजी के लिए स्टेवन स्मिथ आए हैं, देखना दिलचस्प होने वाला किस तरह से खेलते हैं। और गाइस यहाँ पर गेंदबाजी का निकला है कर्टिस कैम्फर और स्ट्राइक पे डेविड वॉर्नर,
देखते गए यहाँ पर किस तरह से खेलते हैं। ऑस्टन के बाहर गेंद पीछे हटे, रूम बनाया और कवर के ऊपर से मारा है शॉट 4 रन के लिए। शुरुआत गई चौके के साथ किया है इस ओवर में। तो गेंदबाज के ऊपर दबाव डालते हुए डेविड वॉर्नर काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी गए, चौका मारा है शुरुआती ओवर में। अब नेक्स्ट बॉल पीछे हट रहे फिर से और रूम बना के गए, फिर से कवर की तरफ खेला है शॉट और यहाँ पर इस बार बाउंड्री तो नहीं हो पाएगा शायद, हो सकता है जी नहीं, 2 रन आसानी से बटोर लेंगे। तेज़ गति से तो आगे और आसानी से 2 रन पूरा किया। तो अब देखते गए इस ओवर में अभी तक 2 गेंद पे 6 रन आ गया है। फुल टॉस बॉल है स्टम्प के ऊपर, काफ़ी शानदार शॉट डेविड वॉर्नर के बल्ले से इस बार छक्का लगा दिया गया, जबरदस्त शॉट स्क्वायर लेग की तरफ 6 रन। और की चौथी गेंद स्ट्राइक पे डेविड वॉर्नर एक इस बार गए डीप मिड विकेट की तरफ उठा के मारा है, एक और छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस डेविड वॉर्नर के बल्ले से इस बार गाइस, काफ़ी कमाल का शॉट खेला भाई। पिछले गेंद से बेहतर ये शॉट था डीप मिड विकेट की तरफ, काफ़ी दूर जाके गिरी गेंद 6 रन के लिए। लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के आ गए हैं, अभी भी 2 गेंद बाकी है। यॉर्कर लेंथ बॉल सामने की तरफ उठा के मारने की कोशिश, बल्ले पे उतना बढ़िया तरीके से आई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मिल जाएगा चौका क्योंकि कोई फील्डर नहीं है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की तरफ। एक और बाउंड्री डेविड वॉर्नर के बल्ले से। अब लास्ट बॉल है, आखिरी गेंद है और देखना पड़ेगा लास्ट बॉल पे किस तरह से खेलते हैं। अभी तक इस ओवर में काफ़ी अच्छा रन बटोरा है। आखिरी गेंद पर एक और छक्का, जबरदस्त शॉट, कवर के ऊपर से इस बार शॉट खेला, ताकत का संचार करते हुए शॉट मारा गाइज, बहुत दूर जाके गेंद गिरी 6 रन के लिए। आखिरी गेंद पर छक्के के साथ इस ओवर को ख़त्म किया। तो अब गाइज आखिरी के जो है 4 ओवर बाकी है और स्ट्राइक पे है मैथ्यू एड और डेविड वॉर्नर भी अभी भी क्रीज पे मौजूद है, अच्छी बात है। जोशुआ लिटिल गेंदबाजी कर रहे हैं और 123/3 ऑस्ट्रेलिया, देखना पड़ेगा किस तरह से खेलते हैं। 59 रन की ज़रूरत है 24 बॉल पे 59 रन चाहिए जीत के लिए। मैथ्यू एड स्ट्राइक पे 12 गेंद अभी तक खेला है, सिर्फ 3 गेंद पे 3 रन बनाए अभी तक। इस बार अच्छा शॉट खेला है, चौका तो नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 रन आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर। तेज़ गति के साथ भागे और 2 रन बटोरा। अभी भी गाइज जीत के लिए गाइज 57 रन चाहिए 23 बॉल पे। तो देखते गाइज यहाँ पर किस तरह से खेलते हैं दोनों बल्लेबाज, काफ़ी अच्छे से खेलना पड़ेगा, छक्का चौका मारना पड़ेगा अगर जीतना है। डेविड वॉर्नर स्ट्राइक पे सामने की तरफ शॉट कहाँ पर खेलना चाहते थे, पैड पे गेंद जाके लगी और ये शायद आउट है, रिव्यू ले लिया है तुरंत ही। और यहाँ पर मुझे तो लग रहा है यार ये आउट है शायद, देखते गए इसे रिव्यू अंपायर कॉल हो सकता है शायद, जी हाँ यहाँ पर अंपायर कॉल की वजह से आउट हुए और यहाँ पर डेविड वॉर्नर गलत समय पे आउट हुए। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं टीम डेविस और देखना दिलचस्प होने वाला है किस तरह से जो है खेलते हैं, जाने जाते हैं खतरनाक बल्लेबाजी के लिए, देखना दिलचस्प होने वाला है यहाँ से किस तरह से खेलते हैं। जोशुआ लिटिल काफ़ी शानदार गेंदबाजी की अभी तक, 58 रन की अभी भी ज़रूरत है जीत के लिए, गाइस काफ़ी मुश्किल पे है ऑस्ट्रेलिया की टीम, अगर नहीं जीतेंगे इस मैच को तो दिक्कत हो सकता है। देखते गाइस नेक्स्ट बॉल, यहाँ पर बहुत ही शानदार शॉट खेला है, हेलीकॉप्टर शॉट और जड़ दिया है चौका। नेक्स्ट बॉल गाइस एक और अच्छा शॉट, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौका मिल जाएगा और अभी भी जीत के लिए 50 रन की ज़रूरत है, 19 गेंदों पर 50 रन चाहिए। लास्ट बॉल है गाइस, 19 बॉल पे चाहिए 50 रन, छक्का मारना पड़ेगा इस गेंद पर। अभी भी जीतने के लिए हर ओवर में 16 रन चाहिए प्रति ओवर। ये शॉट भी अच्छा है, एक और बाउंड्री मिलेगा, ज़बरदस्त बल्लेबाजी गाइस यहाँ पर, काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी की है अभी तक इस ओवर में, काफ़ी अच्छा रन बटोरा है टीम डेविड ने। आखिरी गेंद पर चौके के साथ इस ओवर को ख़त्म किया है और अब अभी भी जीतना है तो काफ़ी सारा रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। 3 ओवर में चाहिए 17 बॉल पे चाहिए 42 रन गाइस जीत के लिए। ऑस्ट्रेलिया को जीतना है तो भाई छक्का चौका मारना पड़ेगा, मैथ्यू एड स्ट्राइक पे है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बाहर गेंद है, कदम का इस्तेमाल करते हुए शॉट खेला कवर के ऊपर से, बाउंड्री मिल जाएगा बल्लेबाज मैथ्यू वैड को, काफ़ी शानदार शॉट। नेक्स्ट बॉल गुड लेंथ पे गेंद है, स्लॉट पे गेंद है गाइस और इस गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए, बल्लेबाज सुपर गोल और ये शॉट पैसा वसूल, तूफानी छक्का। तो यहाँ पर गाइस इस ओवर में अच्छे रन है, अभी भी 14 गेंद पर चाहिए 32 रन, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, देखना पड़ेगा पीछे हट रहे और यहाँ पर रूम बनाते हुए बल्लेबाज, बहुत ही शानदार शॉट खेला यार, एक और बढ़िया शॉट पीछे हट के रूम बने और कवर की तरफ से खेला ये शॉट, 4 रन मिल जाएगा। आखिरी बॉल है गाइज, लास्ट बॉल है ओवर की आखिरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट खेला है, गेंद सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ मैथ्यू वैड का पारी हुआ समाप्त, 24 रन बना के आउट हुए, सीधा गलत समय पे आउट हुए गाइज यहाँ से। शॉट अच्छा खेले थे इस ओवर में, बहुत ही अच्छा रन भी बटोर रहा था लेकिन गलत समय पे आउट हुए बल्लेबाजी के लिए।
बल्लेबाजी के लिए आया अश्टन अगर, लेकिन स्ट्राइक पे है टीम डेविड। बहुत ही अच्छा शॉट, फुल टच बॉल, ऑप्शन के बाहर गेंद को काफ़ी अच्छा खेला है। दो रन बटोरते हुए तेज गेंद के साथ भागे 11 गेंदों पर। अभी भी 24 रन की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए। इस ओवर में गए अच्छे से बल्लेबाजी करने का जोशुआ लिटिल का आखिरी स्पेल है, और जोशुआ लिटिल अभी तक शानदार गेंदबाजी की है, एक विकेट भी चटका है, यॉर्कर लेंथ बॉल है, अच्छा फ्लिक शॉट खेला है टीम डेविड ने, और इस बार भी दो रन की कोशिश होगी यहाँ। जी हाँ, यहाँ पर तेज गेंद के साथ भागे एक और दुक्का। तो यहाँ पर गए अच्छे से खेलना पड़ेगा ये दोनों बल्लेबाज को, नेक्स्ट बॉल उठा के मारे इस बार, लेकिन उतना बढ़िया टाइमिंग हो नहीं पाया, फिर से दो रन बटोर लेंगे। तो दुक्के की तिकड़ी लगाते हुए गए यहाँ पर, अभी भी जीत के लिए 9 गेंदों पर चाहिए 20 रन। तो अब देखते गए यहाँ से किस तरह से खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बाहर फुल टच बॉल है और इस गेंद को छक्का मारना पड़ेगा अगर जीतना है तो। ऑस्ट्रेलिया की बाहर फुल टच बॉल उठा के मारा है, टाइमिंग उतना बेहतर नहीं कर पाए है, और बढ़िया प्लेसमेंट था लेकिन टाइमिंग अगर बेहतर करते तो बाउंड्री हो सकता था। एक और दुक्का इस ओवर में, 2, 4, 6, 8 रन आगे है, अभी भी 2 गेंद बाकी है। चलिए देखते गाइस, 2 गेंद बाकी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, देखना दिलचस्प होने वाले किस तरह से खेलते हैं टीम डेविड। 20 रन पे खेल रहे हैं, पुल शॉट मारना चाहते थे, गेंद पड़ के नीचे रही बल्ले पे, आई नहीं गेंद, और डॉट बॉल आखिरी गेंद है, लास्ट बॉल है, टीम डेविड 20 रन पे खेल रहे हैं, सामने की तरफ मारना चाहते थे लेकिन आउट हुए यहाँ पर टीम डेविड 20 रन बना के, गलत समय पे आउट हुए। अभी भी जीतना है तो भाई 6 गेंदों पर चाहिए 18 रन। तो यहाँ पर रोमांचक T20 मैच आखिरी ओवर में, और जीत के लिए 18 रन चाहिए 6 बॉलों पे। तो स्ट्राइक पे अश्वन अगर है, देखना पड़ेगा किस तरह से खेलते हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं आखिरी ओवर बेरी मरकाथी, और स्ट्राइक पे अश्वन अगर। काफ़ी रोमांचक मुकाबला यहाँ पर चलता होगा इस ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के बीच में। अच्छा शॉट खेला है और चौका मिलेगा। जी हाँ, भागने की कोई ज़रूरत है नहीं, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा पार। अब जीत के लिए चाहिए अभी भी 14 रन। एक और अच्छा शॉट, एक और बाउंड्री मिलेगा बल्लेबाज को। अब जीत के लिए चाहिए 10 रन 4 गेंदों पर। तो यहाँ पर गए जो है लगातार 2 गेंदों पर तो बाउंड्री आ गया है। अब पीछे हट के रूम बनाया है, यॉर्कर लेंथ बॉल, एक और बढ़िया शॉट खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, एक और बाउंड्री मिलेगा। जहाँ पर फील्डर नहीं है वहीं पर शॉट खेलते हुए गाइस, काफ़ी अच्छा शॉट खेला है, लगातार 3 गेंदों पर हैट्रिक 4 लगाते हुए गाइस, काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी बल्लेबाज के द्वारा। और अभी भी जीत के लिए चाहिए 6 रन की ज़रूरत है अभी भी जीत के लिए 3 गेंदों पर। और एक और बढ़िया शॉट खेला है सामने की तरफ, चौका मिलेगा, एक और बाउंड्री लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री, काफ़ी बढ़िया दोस्तों। अभी भी जीत के लिए 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए। अब काफ़ी जो है प्रेशर बनाते हुए गाइस गेंदबाज के ऊपर, और अभी भी जीतने हैं तो 2 रन बनाने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया अगर काफ़ी बढ़िया खेलते हुए गए इस ओवर में, इस बार कट शॉट मारा है ऑस्ट्रेलिया की बाहर वाली गेंद को और सिंगल बटोर लिया है। अब आखिरी गेंद है और पैट कमिंस स्ट्राइक पे गए, जीत के लिए सिर्फ 1 ही रन चाहिए। अगर डॉट गेंद होता है तो यहाँ पर ना सुपर ओवर भी देखने के लिए मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बाहर गेंद रखा है और देखना पड़ेगा किस तरह से खेलते हैं बल्लेबाज। बहुत ही शानदार शॉट मिड ऑफ की तरफ और यहाँ पर मिलेगा सिंगल, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने, काफ़ी बढ़िया खेले, अंत में ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता है। तो वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।